साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत को लेकर बड़ी खबर है, संजय राउत को लेकर नई खबर है। मुंबई में बड़ी कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो हुआ वो हैरानी से परे था, बहुत ही बड़ा मामला था क्योंकि इस बार तो जज ने इनकार कर दिया, ईडी ने भी बड़ा मूव ले लिया और हाल फिलहाल ऐसा पहली बार हुआ है, बड़ा बवाल यहाँ हो गया जिसके बाद संजय राउत के लिए जो राहत की उम्मीद थी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि संजय राउत को अब मामला जल्द से जल्द और ज्यादा बुरा झेलना पड़ सकता है, जल्द से जल्द फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, कैसे हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि राउत के लिए ये कितनी बड़ी आफत है। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए राहत कहीं से भी नहीं है, कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं, अच्छी बात नहीं है। पर हालात ये हैं कि संजय राउत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है, नई आफत राउत के लिए आ सकती है क्योंकि राहत के आसार तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं और ऊपर से बड़ी कोर्ट में, मुंबई की कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो हुआ वो हैरानी भरा था क्योंकि यहाँ पर केस में जज ने खुद को ही अलग कर लिया। आज यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची है और ईडी का साफ साफ कहना है कि संजय राउत की जमानत रद्द होनी चाहिए, संजय राउत को तुरंत ही फिर से जेल भेजा जाना चाहिए और इसे लेकर ही हाई कोर्ट में सुनवाई थी। अब मामला ये हुआ कि सभी रेगुलर हियरिंग के साथ ही संजय राउत के इस मामले की भी सुनवाई थी और राउत का केस था 101वें नंबर पर। अब इस पर ईडी ने इस मामले को जल्दी सुनने की दरख्वास्त की और हाई कोर्ट से अपील की कि मामला जल्दी सुना जाए क्योंकि ये मामला बेहद जरूरी है और 101 नंबर काफी पीछे हो जाएगा और मामले में एक खास दिन पर सुनवाई नहीं हो पाएगी, इसमें लंबा वक्त लग सकता है, लिहाजा जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। अब जस्टिस MS कार्निक की बेंच ये सुनवाई करने वाली थी और तय था कि इसमें वक्त भी लगता क्योंकि मामला 101वें नंबर पर था, तो जाहिर सी बात है कि समय तो लगता और इस समय का फायदा सीधे सीधे संजय राउत को ही मिलता क्योंकि संजय राउत जितने दिन बाद सुनवाई होती तो मुश्किल अगर आती भी तो उतने ज्यादा दिन बाद आती, यानी कि तब तक संजय राउत आराम से रहते। लेकिन यहाँ पर तो जज ने खुद ही खुद को केस से अलग कर लिया। जी हाँ, जस्टिस MS कार्निक ने संजय राउत के इस मामले से खुद को अलग कर लिया, सुनवाई से अलग कर लिया। जी हाँ, जज ने खुद ही केस से खुद को अलग करने का फैसला लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ईडी को नई बेंच दी जाएगी, नए जस्टिस इस मामले में सुनवाई करेंगे और अन्य जज की बेंच में इसकी सुनवाई होगी और ईडी का कहना है कि ये सुनवाई अब जल्द होगी। जी हाँ, जज बदले जाने से मामला संजय राउत के लिए ही मुश्किलात से भरा हुआ हो गया क्योंकि अब जल्द से जल्द सुनवाई होगी। जो 101 नंबर की सुनवाई थी जो कि देरी से होती, अब जल्द से जल्द संजय राउत के लिए मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि अगर ईडी का पलड़ा यहां पर भारी हुआ तो होगा ये कि संजय राउत को फिर से जेल जाना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल का पहला मामला है जब किसी केस में जज ने खुद को ऐसे सुनवाई से अलग कर लिया और उसके बाद अब नए जज, नई जस्टिस, नए बेंच जल्दी नई सुनवाई करेंगे मामले में और जल्द से जल्द अगला एक्शन होगा जो भी होगा। अब ईडी की माने तो संजय राउत की जमानत रद्द होना तय है क्योंकि निचली कोर्ट ने सबूतों के बाद भी, गवाहों के बाद भी बिना सोचे समझे जमानत दे दी जो कि गलत है और ईडी ने निचली कोर्ट के आदेश पर, फैसले पर सवाल खड़े किए और यहां तक कहा कि खुद निचली कोर्ट ने ही पहले माना था कि संजय राउत प्राइमा फेसी आरोपी भी लग रहे हैं, चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये बातें कही थी लेकिन फिर बाद में कैसे जमानत दे दी, कैसे ईडी के एक्शन पर सवाल उठा दिया और कैसे संजय राउत को जमानत मिल गई, इसे लेकर ही ईडी लगातार सवाल कर रही है और इसे लेकर ही ईडी हाई कोर्ट भी पहुंची है। अब ईडी का कहना है कि संजय राउत का ये मामला बड़ी कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। जी हाँ, सीधे सीधे उनकी जमानत खारिज होगी और अब तो बेंच बदलने जा रही है जिससे सुनवाई भी जल्द होगी, फैसला भी जल्द आएगा और अगर ईडी के पक्ष में फैसला आता है, संजय राउत को आफत मिलती है, संजय राउत की बेल रद्द होती है तो फिर तो जल्द से जल्द एक बार फिर से संजय राउत को जेल जाना पड़ सकता है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में उनके लिए सेल की सफाई हो सकती है और जल्द से जल्द उन्हें वापस से उसी सेल में यानी कि उसी अंडा सेल में रखा जा सकता है क्योंकि खुद संजय राउत ने ही बताया था कि वो जेल के अंदर थे तो उन्हें अंडा सेल में रखा गया था और अंडा सेल के हालात, अंडा सेल में कितनी मुश्किलात आती हैं ये संजय राउत ने खुद उस इंटरव्यू में बताया था जो हमने भी आपको दिखाया था, बताया था। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए आफत बढ़ती जा रही है और इस बार पहली बार हाल फिलहाल में ये हुआ है जब इस तरह से जज ने ही खुद को किसी मामले से अलग किया हो। अब जल्द से जल्द सुनवाई होने की उम्मीद की जा रही है। तो आपको क्या लगता है इस नए कदम से, इस नए एक्शन से संजय राउत को कितनी मुश्किल आन पड़ी है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन दिख रही है, और हालात ये हैं कि जेल जाने की फिर से नौबत दिख रही है। जिस पार्टी के लिए जेल गए, जिस पार्टी के लिए सब कुछ किया, दूसरों से दुश्मनी मोल ली, अब वही पार्टी भी भाव नहीं दे रही है। जी हां, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। टीओआई ने शिवसेना के एक बड़े नेता के हवाले से खबर दी है कि संजय राउत का पार्टी में वो कद और स्टेटस अब रहा ही नहीं जो पहले हुआ करता था, और संजय राउत एक तरह से पार्टी के अंदर साइडलाइन है। जी हां, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, करीब 100 दिन तक जेल में रहे संजय राउत जब सलाखों से बाहर आए तो उनके बयान ने सभी को हैरान किया था, क्योंकि जेल से बाहर आते ही संजय राउत ने पहले पीएम मोदी की तारीफ की, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की, और यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक की भी तारीफ की। और इस दौरान फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में जुबानी जंग भी जारी थी, और दोनों के बीच में खूब वार तकरार चल रही थी। अब यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने के बजाय राउत ने फडणवीस की तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है, कुछ काम सरकार के अच्छे हैं। अब शिवसेना सूत्रों का कहना है कि इसके बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में कुछ दूरियां आई हैं। जी हां, अपनी पार्टी में संजय राउत बेगाने हो गए, और पार्टी के कई नेताओं को संजय राउत का ये बयान, ये अंदाज पसंद नहीं आया था। हालांकि पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का कहना है कि संजय राउत का प्लान ये भी हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया जाए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को अलग थलग किया जाए और फिर से उद्धव वाली सेना बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़े। हालांकि इसके लिए भी लंबा समय है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन ये है कि राउत की पोजीशन पार्टी के अंदर खराब हो गई है। शिवसेना के अंदर कुछ लोग मानते हैं कि राउत का कम्युनिकेशन स्किल और अन्य पार्टियों के नेताओं से संबंध काफी अच्छे हैं, और शिवसेना को उद्धव ठाकरे को इसका सटीक इस्तेमाल करना चाहिए, पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और संजय राउत को फिर से पार्टी में मुख्य प्रवक्ता वाली पुरानी पोजीशन देनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जी हां, सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि उद्धव ठाकरे अब संजय राउत पर वैसा भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं जब से राउत जेल से बाहर आए, और उद्धव ठाकरे के विरोधियों की तारीफ की तब से तो लगातार ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच में दूरियां दिख रही हैं। हालांकि राउत कई बार और बार बार ये कह चुके हैं कि उनकी पूरी आस्था अब भी मातोश्री को लेकर है, लेकिन ये भरोसा भी उद्धव ठाकरे के मन को बदल नहीं पा रहा है, और लिहाजा संजय राउत पार्टी के अंदर ही खराब हाल उनके हो गए हैं, वो पार्टी के अंदर ही बेगाने नजर आ रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक और बात ये भी है कि भले ही संजय राउत बीजेपी के साथ फिर से दोस्ती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस और एनसीपी जो कि फिलहाल उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो नाराज हो सकती हैं, और उद्धव ठाकरे की फिलहाल कांग्रेस और एनसीपी के साथ अच्छी दोस्ती नजर आ रही है, तो यहाँ पर भी क्लैश हो सकता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की राय अलग हो सकती है। आदित्य ठाकरे तो बीच में राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा में भी नजर आए थे, लिहाजा यहाँ पर भी मुश्किल उनके लिए बन सकती है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जेल से बाहर संजय राउत आ तो गए हैं, लेकिन आफत नहीं है, और अब तो अपनी पार्टी के अंदर ही बेगाने नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी में खुद का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ऐसे हालात में अगर दोबारा जेल संजय राउत को फिर से जाना पड़ता है तो फिर तो संजय राउत के लिए हालात बेहद ज्यादा खराब हो सकते हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकली वो फिनिश हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी बातें मुंबई में आसपास कही जा रही हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं कि क्या वाकई संजय राउत अब उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद नहीं रहे। कमेंट जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।